एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। और क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट, देखिए फर्स्ट नंबर सबसे होता है इजी है, पर ये समझिए कि एक्सरसाइज किसी भी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसी से उसी के कॉन्सेप्ट बेस पर पूरे सवाले होती हैं। तो वो पहला कॉन्सेप्ट बेस सवाल आपका यहाँ पास है, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। कह रहा है अगर देखिए आप रटेंगे तो सवाल कभी भी आपसे याद नहीं रहेगा, वो भूल ही भूल जाएगा। मैथ जैसी चीज को आप रटेंगे नहीं बिल्कुल भी, स्ट्रक्चरल समझेंगे तभी ना आगे चल के उसको आप डेवलप कर पाएंगे। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, पहले आप सर्कल बना लीजिए। और हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा दिया है कि क्या पार्ट होता है सेक्टर। तो जैसे ये पूरा सर्कल होता है, सर्कल का कोई एक भाग, कोई भी एक भाग वो सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेक्टर। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, यानी ये पूरा सर्कल है तो पूरे सर्कल का एरिया तो हमको निकालना नहीं है, हमें सिर्फ इस पार्ट का एरिया निकालना है जो सेक्टर एक भाग है। ठीक है बच्चों, उसमें से दो चीजें हमको दी हुई हैं, एक तो रेडियस दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, ये सेंटर से यहां तक की दूरी को रेडियस बोलते हैं, और एक एंगल ये जो फॉर्म हो रहा है इनके बीच में जो इंक्लीन्ड हो रहा है, एंगल 60 डिग्री का फॉर्म हो रहा है, तो उससे हमें निकालना है। बस कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला को आप पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। सवाल करने का तरीका क्या है, जब बोर्ड एग्जाम में आप पेपर लिखेंगे बहुत सारी चीजें ये आपको नहीं बताई जाती हैं, आप जितने भी चैनल में देख लेंगे या टीचर्स भी नहीं बताते हैं, बस सॉल्व करा देते हैं। ध्यान रखना आपको सॉल्यूशन कैसे लिखना है एग्जाम पेपर में। ठीक है, जैसे जो चीजें आपको दी रहती है उसको लिख लीजिए, गिवेन रेडियस इज इक्वल टू, तो रेडियस को आर लिख लीजिए सीधे से, 6 सेंटीमीटर दिया, इससे स्मार्टनेस आती है और सवाल गलत नहीं होते, टीचर को भी जांच करने में आसानी मिलती है। और जो थीटा है वो भी हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, इतना हमें दिया है। अब हमें एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा देना है, एरिया ऑफ सेक्टर, और फॉर्मूला जैसे कि आपको पता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। बस वैल्यू पुट करना है, आर की जगह आर की वैल्यू और थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रखना है। चलिए रख देते हैं, तो थीटा की जगह 60 अपॉन 360, चूंकि एरिया सर्कल का होता है इसलिए पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह 22 अपॉन 7, आर की जगह क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुड़े, इतना समझ में आ गया आप लोगों को, इजी है। उसके बाद काटना शुरू करेंगे, 6 से 6 काट देंगे, 0 से 0, 6 1 6, 6 6 36, 1 6 से 1 6, इसको भी काट देंगे। अब हमारे पास जो वैल्यू बचती है बेटा ऊपर वो 22 बचती है और 6 बचती है, तो 6 का मल्टीप्लाई और नीचे 7 बचता है, तो 6 2 12 का 2 कैरी 1, 6 2 12 113, 132 अपान आ गया है 7। अब इसको भी काटेंगे, ठीक है, अगर इतने आंसर आ रहा है तो हम इतने में छोड़ देंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर डाल देंगे, दैट्स इट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट जानेंगे, सर्कल में क्वाड्रेंट क्या चीज होता है। ये सर्कल है बच्चों, जब सर्कल को एग्जैक्ट 4 भागों में डिवाइड करना हो तो उसे हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। जैसे ये सर्कल हो गया, ये कितने भाग हो गए? 4 भाग, इसी को क्वाड्रेंट बोला जाता है। तो क्वाड्रेंट की एक क्वालिटी है, इसमें देखो कहीं एंगल नहीं दिया है, तो क्वाड्रेंट 90 डिग्री का एंगल बनाता है हमेशा। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो जो एंगल नहीं दिया था वो एंगल हम मान लेंगे कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इन क्वाड्रेंट, ऐसे लिख लेंगे इन क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट थीटा ऑलवेज कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो जो गिवन है वो ये लिख लेंगे, ठीक। अब आपको एक रेडियस देना चाहिए, तो रेडियस तो दिया नहीं है भैया, दूसरा दो फॉर्मूला किसी क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए या किसी सेक्टर का, ये सेक्टर ही ना कहलाएगा, दूसरे शब्दों में इसको क्वाड्रेंट बोल दिया है, तो इसको निकालने के लिए एक सेक्टर ही है, सेक्टर निकालने के लिए हमें एक चीज चाहिए, क्या? एक थीटा चाहिए, हमको मिल गई, एक रेडियस चाहिए, तो रेडियस हमें नहीं पता है, तो रेडियस निकालने के लिए क्या दिया है, एक नई चीज दिया, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या दिया है बेटा? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दिया है 22 सेंटीमीटर। अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आप सबको पता है 2πr, यानी बाहरी जो लाइन होती है आउटकम को ही हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। अब लड़के बहुत सारे परेशान हो जाते हैं, सर जी अभी तक थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर बताते थे, ये क्या बता? जो चीज़ दिया हम उसी से वैल्यू निकालेंगे,
इसको लगा करके हम रेडियस की वैल्यू निकालेंगे आर। अब देखो टू को उधर भेज दीजिए तो यहाँ बचेगा पाई आर बराबर 22, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड, इससे कट गया, इससे कट गया। तो अब पाई की वैल्यू रखिए 22/7, क्या रखेंगे 22/7। आप चाहे तो पाई की वैल्यू रख ही लीजिए इंटू आर बराबर 11 आ गया, 11 × 22 होता है ना। अब r बराबर क्या आएगा, 7 ऊपर चला जाएगा 22 नीचे, तो 11/7 डिवाइड में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइज, और 22 नीचे 22, 11 × 2 = 22। तो आपका रेडियस आएगा 7/2। आप इसको डेसिमल में अगर बदलना चाहें तो बदल लें, लेकिन डेसिमल में मत बदलिए। अभी हम वैल्यू रखेंगे तो आसानी से उसमें ये यूजबल हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इधर सॉल्व कर देता हूँ मैं, ठीक। उसके आगे से मान लीजिए कि ये यहाँ से शुरू होगा, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फॉर्मूला वही होता है बेटा, थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा की जगह 90 रखेंगे, ये हमारे पास वैल्यू है, और 360 लिख लेंगे इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7/2, तो दो बार लिखेंगे 7/2/7/2। अब देखिए काटेंगे 0 से 0, 9 × 36, 9 × 4 = 36 कट गया। अब 2 से काटिए, 2 से काटेंगे 11 टाइम जाएगा, कितने बार 11। अब देखो ऊपर की संख्या कुछ भी नहीं बच रही, नीचे की संख्या बच रही, तो ऊपर की संख्या आपकी बच रही है 11 × 7 = 49, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए नीचे। अब देखो एक तो 7 हमारे पास नीचे था ना, इस 7 से इस 7 को काट दीजिए, तो ऊपर आपके पास बचेगा 11 × 7 बचेगा है कि नहीं, नीचे 4 × 2 = 8 बचेगा। अब बस ऊपर का ऊपर गुणा 11/77/8, अगर दशमलव में आंसर आता है तो उसको डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो इतने में आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड। आप देखिए ये घड़ी देखें कि नहीं देखें बच्चों, ये मान लीजिए हमारे सर्कल वाली घड़ी, क्योंकि चैप्टर पूरे सर कल वॉच तो ऐसे भी आती है, पर वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्कल चैप्टर एरिया रिलेटेड सर्कल, तो हम सर्कल वाली घड़ी ही मानेंगे, ठीक है बच्चों। तो एक क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, क्या 14 सेंटीमीटर। तो जो मिनट वाली घड़ी होती है वो सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है, आपको पता होगा है कि नहीं, यानी ये रेडियस इसका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रेडियस, ठीक है बच्चों। और कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड अ क्लॉक 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया वेप्ट बाय मिनट मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब देखो 5 मिनट बाद ये घड़ी यहाँ आ जाएगी, आपको पता है ना मिनट वाली, 5 मिनट यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको तय कर लेगी, कुल मिला के अब ये हो जाएगा ऐसे है कि नहीं। तो आपको ये वाली एरिया हमें निकालनी रहेगी, एरिया ऑफ सेक्टर जैसे पढ़ रहे हैं, तो हमें कोई भी एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होता है बेटा तो उसका हमें दो चीज़ चाहिए होता है, तो रेडियस और थीटा। तो इसमें रेडा तो हम रेडियस तो दिया हुआ है, सॉल्यूशन में हम डालेंगे क्या कि गिवन गिवन इज रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, क्योंकि मिनट वाली सबसे बड़ी घड़ी होती है। अब हमें निकालना है थीटा, कि थीटा कैसे आएगा, वही का कुल मिला के सवाल है, और थीटा बना के आंसर आ जाएगा है कि नहीं। तो थीटा निकालने के लिए एक बात ध्यान से समझिएगा बच्चों, एक देखो एक किसी सर्कल में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कोई मिनट की घड़ी है ना, अगर वो 1 मिनट चलती है, कितने मिनट, 1 मिनट चलती है, तो एक मिनट में कितने होते हैं 360 सेकेंड होते हैं टोटल है ना, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60। अब हमको बोल रहा है कि 5 मिनट यानी 12 से 1 के बीच की दूरी को हमको निकालना है, अगर 4 मिनट बोला होता तो 4 का गुणा करते, 3 मिनट बोला होता 3 का, 10 मिनट बोला होता तो 10 का, 30 मिनट बोला होता 30 का गुणा करते। तो फॉर्मूला ध्यान रखना थीटा निकालने का, 360/60 मल्टीप्लाइड जितने मिनट वो चलेगा, तो इसमें बोला है कितना 5 मिनट, तो 5 मिनट, तो थीटा से गुणा हम ऐसे निकाल लेंगे 360/60 × 5, 0 से 0, 6 × 6 = 36, तो थीटा इज इक्वल टू हमारा आ गया 6 × 5 = 30, बस हो गया आंसर। अब तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, क्या एरिया ऑफ, ये हमारा कितना आ गया 30, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। बस ये आपको याद रखना है कि एंगल अगर जो मिनट वाले में दिया हो तो कैसे निकालेंगे, 360/60 जितने मिनट का निकालना हो उसका गुणा
कर देंगे, तो 5 मिनट का बोला था तो 5 मिनट, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, हम इस चक्कर में फॉर्मूला उल्टा रख दिए थे, 360 इसमें नीचे होता है कि नहीं, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू कितनी है 14, तो 14 इंटू 14, अब 0 से 0, 3 से काटिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 से कट गया, अब 2 से काटिए तो 2 6 जा 12 और ये 2 11 जा 11, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, देखिए कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, एक और काट दीजिए 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, तो हमारे पास ऊपर क्या बचा है बच्चों, इधर साइड लिख देता हूँ, ऊपर हमारे पास देखिए बारीकी से 11 बचा है, 2 बचा है और 7, तो 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, नीचे देखिए क्या बचा है 2 बचा है बस, है ना, ये 2 कैसे बच गया हमारे पास, अच्छा ये तो ये 2 से 2 भी काट दीजिएगा ना, ये जो 2 बचता है ना 2 3 जा 3 बचना चाहिए यहाँ पे, 2 3 जा 6, 2 3 बचना चाहिए तभी नहीं कटेगा ये, ठीक है कहाँ गया जी, ये बिल्कुल नहीं कटेगा क्योंकि 2 3 जा 6 हमें 3 लिखना चाहिए, तो नीचे बचा सिर्फ 3, इसका मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 11 से 77, 77 दूना कितना होता है 2 7 14, 7 14 15 154, 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दशमलव में बोले तो दशमलव में बदल दीजिए, ओके तो क्वेश्चन नंबर बच्चों देखते हैं 4, ठीक है एक्सरसाइज 12.2 का ही क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर, क्या मान लीजिए ये आपको सर्कल दिया हुआ है, ठीक है ये सेंटर हो गया, ये आपको एक कॉर्ड दी हुई है, क्या दी है कॉर्ड किसे कहते हैं, दो चीजें आपको हम अभी समझाने वाले, एक करेस्पॉन्डिंग क्या चीज है और दूसरा कॉर्ड, कॉर्ड तो आपको मैंने बताया भी होगा, जब कोई रेखा या कोई लाइन सर्कल के अंदर बिना सेंटर से, बिना सेंटर से गुजरे हुए एक कोने से दूसरे कोने को टच कर दे, सरकमफ्रेंस को टच करे दो साइड से, तो वो हमारी कॉर्ड कहलाती है, क्या कहलाती है कॉर्ड, ठीक है बेटा, और इसमें अब जो सेंटर से टच होती है उसको रेडियस बोलते हैं, ये रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, अब हमने आपको पढ़ाया था आर्क क्या होती है, सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है, तो इसमें बोला है ये सेगमेंट है, क्या है सेगमेंट, हमें सेक्टर अभी नहीं निकालना, सेगमेंट, और यहाँ एंगल जो दिया है वो 90 डिग्री का दिया है, कितने डिग्री का 90 डिग्री का, देखो इस चीज को सेगमेंट हमें सिर्फ निकालना है, पहला क्वेश्चन क्या है माइनर सेगमेंट, दूसरे बारे में मेजर सेक्टर, तो सेक्टर ये वाला होगा ना यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी एरिया जो होगी वो सेक्टर कहलाएगी, ये बड़ा वाला एरिया को मेजर बोलते हैं, तो इतना एरिया हम निकालेंगे वो सेक्टर होगी और नीचे हमें सेगमेंट निकालना है, ठीक है बच्चों ध्यान रखना, दोनों चीज सेगमेंट नहीं बोला, एक सेगमेंट बोला है दूसरा सेक्टर बोला है, बहुत आसान है, तो जो हमने तरीका क्या बताया आप लोगों को, पहले पहले जो आपको तरीका होता है सॉल्व लिख करके, पहले जो जो चीजें दी रहती है उसको लिखिए, तो गिवन में आपको दिया है बेटा रेडियस इज इक्वल टू आपको दिया है कितना 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर, और थीटा जो दिया है माइनर का थीटा, कितना माइनर का थीटा दिया है 90 डिग्री, राइट एंगल का मतलब होता है ना, अब करेस्पॉन्डिंग का क्या मतलब होता है समझो बच्चों, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई साइड है उसको हम अलग नाम दिए, उसका आर्क है, और उसी से जुड़ा हुआ कोई दूसरा भाग है उसी को हम बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग, यानी कोई चीज़ यहाँ से यहाँ जो जुड़ी है एक दूसरे को उसे हम करेस्पॉन्डिंग, अगर कहें मेजर माइनर तो वो क्या है दोनों एक जुड़े होंगे, एक बड़ा एरिया होगा एक छोटा, उसी को बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल से जुड़ा रहेगा तो उसको बोलेंगे करेस्पॉन्डिंग, दो सर्कल जुड़े रहेंगे तो उसको बोलेंगे करेस्पॉन्डिंग सर्कल, समझ में आ गया कि नहीं क्या होता है, तो अब यह हमको दिया है तो पहले हम सेगमेंट निकालेंगे, देखो सेगमेंट निकालने के दो तरीके होते हैं, ठीक है आपको मैं समझा देता हूँ, पर करूँगा मैं फॉर्मूला मैथड से, किस मैथड से फॉर्मूला मैथड, तो डायरेक्ट लगा देंगे एरिया ऑफ सेगमेंट तो खट से आ जाएगा, दूसरा तरीका ये होता है कि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसको अगर आप भूल जाइए तो ये एक सेक्टर है ना 90 डिग्री का, सेक्टर का फॉर्मूला होता है 360 थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसमें रख देंगे तो ये सेक्टर आ जाएगा, फिर ये देखो ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, क्या इसका नाम रख लीजिए ओ ए बी, ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया निकाल करके टोटल में से सेक्टर जितना निकाले रहेंगे टोटल में से ट्रायंगल घटा देंगे तो इतना एरिया इतना बचेगी तो सेगमेंट हो जाएगी, लेकिन ऐसा तब करेंगे जब हमें पता हो कि ये हमारा इक्वलेटियल ट्रायंगल है या आपकी ऊंचाई दी हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट फार्मूला लगा देंगे, ठीक है, लेकिन स्थिति इसमें दिया है कि 90
एरिया ऑफ सेगमेंट जो हम फॉर्मूला मेथड से करने वाले हैं ना, तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है थीटा बाई पाई थीटा बाई 360 माइनस कॉस थीटा बाई 2 इंटू कॉस साइन थीटा बाई 2 इंटू आर का स्क्वायर। क्या आर का स्क्वायर? रेडियस का स्क्वायर। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू है 3.14, थीटा की वैल्यू है आपकी 90 अपॉन 360 माइनस कॉस 90 अपॉन 2, थीटा की वैल्यू 19 है, और इंटू साइन 90 अपॉन 2 और ब्रैकेट के अंदर 10 का स्क्वायर। ठीक है, रेडियस 10 दिया हुआ है। काट दीजिए इसको, 9 चौक 36, ऊपर हमारी वैल्यू आती है 3.14 अपॉन 4 और यहाँ आएगा 2 से इधर काटिए 45 और इसको भी काटिए 45। अब कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, चैप्टर नंबर 8 में दिया है सारणी, आपको याद करना ही पड़ेगा अगर फॉर्मूला को विधि से करना है। साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। ठीक है, और आर का स्क्वायर 10 दहम 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे बेटा, तो 3.14 अपॉन 4 माइनस 1/√√ का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, है कि नहीं, और ये बाहर कितना है हमारा 100 लिखा रहने देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करें, 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा, 4 एक कम 4 एक बार गया, तो 3.14 एक का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 ज़ा 4, 2 टाइम गया 2 वन ज़ा 2, इधर लिख देंगे आपका 100, 100 से काट दीजिए 25 आ जाएगा। अब ये 3.14 में माइनस कर देंगे 2, तो 1.14 आ जाएगा और इंटू क्या है 25, 25 का इसमें गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा कितना आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों अब हम पहला माइनर सेगमेंट आपको निकाल के दिखा दिए थे, ये माइनर सेक्टर का हमने सॉल्यूशन लिखा, अब हमें मेजर सेक्टर का निकालना, सेगमेंट निकाल दिया माइनर वाला, अब ये सेक्टर। तो देखिए ये 90 डिग्री का एंगल था इतने से, तो इतने का हमें एंगल चाहिए, रेडियस तो हमें पता है, रेडियस कितना था 10 सेंटीमीटर, है कि नहीं, तो थीटा कैसे निकालेंगे, टोटल होता है 360 में इतना हमें चाहिए ही नहीं, तो माइनस कर दीजिए 90, तो कितना आ जाएगा 360 में माइनस कर 270 आएगा क्या, 0 6 में 9 7 16 270 डिग्री। तो अब हमारे मेजर के लिए, मेजर सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू कितनी है 270/300 इंटू पाई की वैल्यू रखने के लिए बोला 3.14, आर की वैल्यू कितनी है 10 × 10, 0 से 0 कट गया 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, है कि नहीं, 2 से काटो 2 × 2 = 4 और इसको मत काटो 2 × 5 = 10, है ना, फिर 2 से काट दिया 2 × 5 = 10, नीचे हमारा पूरा कट गया है, ऊपर बस रखना है आपको 3.14 × 5 = 25, नीचे कुछ नहीं, दशमलव हटाइए इसको, कितना लग जाएगा 100 लग जाएगा, 2 डिजिट पहले दशमलव है तो 100, 25 × 4 = 100, 4 आ गया, है ना, अब 2 से काटिए, ये 314 हो गया है, तो 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2 तो 2 × 5 = 10, 1 × 2 = 7 = 14, तो ये कितना आ गया हमारा 3 × 157, तो इसको लिखिए 3 × 157/2, इसको मल्टीप्लाई करिए 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 17, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 4/2, 2 का भाग दे दीजिए 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 1 × 2 = 10, 2 × 5 = 10, तो कितना है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।